नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं स्वादिष्ट और सेहतमंद कच्चे केले की सब्जी। ये सब्जी न केवल पौष्टिक है बल्कि बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। कच्चे केले में भरपूर मात्रा में फाइबर और विटामिन्स होते हैं जो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। इस सब्जी को हम मसालों के साथ पकाकर इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसे रोटी चावल के साथ आप परोस सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं कच्चे केले की सब्जी बनाना। कच्चे केले की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 500 ग्राम केले लिए हैं। केलों को ये देखिए, यहाँ पर मैंने अच्छे से पानी से धो लिया है और इसे पोंछ लिया है। अब हम सबसे पहले सब्जी बनाने के लिए कच्चे केले के छिलके हटाएंगे। तो मैंने यहाँ पर कच्चे केले को अच्छे से छील लिया है, कच्चे केले को छील के, और अब हम यहाँ पर इसे कट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कच्चे केले को इस तरीके से दो भागों में कट करके, और ये देखिए बीच में से कट कर रही हूँ, यानी कि यहाँ पर हम एक केले को चार भागों में कट कर रहे हैं। आप चाहो तो इन केलों को अपनी पसंद में कट कर सकते हो। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर इसे इस तरीके से कट कर रही हूँ ताकि हम जो इसकी सब्जी बनाएं तो सब्जी हमारी दिखने में भी अच्छी डिलीशियस लगे, और इसकी शेप भी मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, इस तरीके से छील छील के, और हम इस सब्जी को इस तरीके से कट कर लेंगे। आप चाहो तो इसे गोल शेप में भी कट कर सकते हो, और अगर केले आपके पास थोड़े बड़ी साइज़ के हैं तो आप उसे और भी लंबे लंबे पीसेज में कट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक एक करके और सारे केले फटाफट कट कर लिए हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से ये केले कट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले 1/4 चम्मच में इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ, साथ ही में 1 चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर, और फ्रेंड्स अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और साथ ही में अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच नमक। हम यहाँ पर सभी मसालों की इसके ऊपर कोटिंग करेंगे। 1/2 चम्मच में यहाँ पर डाल रही हूँ गरम मसाला, और 1/2 चम्मच ही मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च का कुटा हुआ पाउडर। और अब फ्रेंड्स, हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के बेसन, और साथ ही में इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच में यहाँ पर डाल रही हूँ ऑयल, ताकि जो सूखे मसाले डाले हैं वो सभी यहाँ पर अच्छे से केले के ऊपर कोट हो सके। ऑयल की जगह आप यहाँ पर थोड़े से पानी की छींटे भी मार सकते हो। तो यहाँ पर कुल मिला के हमें यहाँ पर केले के ऊपर इन मसालों की कोटिंग करना है। तो ये देखिए, सभी मसालों की कोटिंग मैंने इसके ऊपर अच्छे से कर ली है। हाथ से मैंने यहाँ पर इसे कोट किया है ताकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से कोट हो गए हैं। 5 से 10 मिनट के लिए मसाले लगा के केले के ऊपर मैंने साइड में रख दिए हैं। तब तक मैंने इधर एक मिक्सर ग्राइंड जार लिया है, इसमें डाला है 1 बारीक कटा हुआ प्याज, साथ ही में 8 से 10 लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 हरी मिर्च ली है, और साथ ही में अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच राई यानी कि सरसों के दाने, और 1 चम्मच ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ जीरा। और फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच में यहाँ पर ले रही हूँ धनिया पाउडर, और 1 चम्मच में यहाँ पर डाल रही हूँ सौंफ। धनिया पाउडर की जगह आप खड़ा धनिया का भी यूज कर सकते हो। 1 से 2 चम्मच इसमें पानी डाल के और इसका हम पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, पेस्ट मैंने यहाँ पर इसका थोड़ा दरदरा बनाया है, दरदरा पेस्ट ही पीस कर हमें इसका तैयार करना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से पीस कर तैयार कर लिया है। सभी मसाले अच्छे से पीस गए हैं, तो ये यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा दरदरा टाइप का ही मैंने इसे पीसा है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और सब्जी बनाने की नेक्स्ट प्रोसेसिंग शुरू करेंगे। तो कढ़ाई ली है और कढ़ाई को गैस पे रख दिया है। इसमें डालेंगे 1 से 1.5 बड़ा चम्मच सरसों का ऑयल। ऑयल को अच्छे से धुआंधार गर्म होने देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब सबसे पहले जो हमने यहाँ पर केले के ऊपर मसाले लगा के रखे थे, उन्हें हल्का सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हम इसे और कुक नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हम इसे सब्जी के साथ भी पकाएंगे। तो मैं यहाँ पर केलों को मात्र 50% तक कुक कर लेती हूँ, यानी कि 50% तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैंने इसमें कढ़ाई में डाला और इसे पलट दिया है। दोनों ओर से हमें इसे फ्राई कर लेना है। उलट पुलट करते हुए मैंने यहाँ पर केलों को अच्छे से, मतलब 50% तक फ्राई कर लिया है। अब ये फ्राई हो गए हैं 50% तक, तो मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। तो ये देखिए, ऊपर से थोड़े से कुरकुरे टाइप के से हो गए हैं, लेकिन अंदर से ये अभी भी कच्चे हैं। आप इस स्टेज पर इसे स्नैक्स के रूप में भी खा सकती हो। मैंने इसे एक टेस्ट किया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पर सेकेंड बैच फ्राई कर लेते हैं। सेकेंड बैच भी सेम इसी तरीके से एक एक करके और सावधानी पूर्वक डालेंगे, ताकि ऑयल की छींटे हमारे हाथ के ऊपर ना आ जाए।
तो ये देखिए यहाँ पर सेकंड बैच भी बहुत ही अच्छे से मैंने 50% तक कुक कर लिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे केले मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर डालेंगे उसी ऑयल के अंदर अब हम सब्जी बनाएंगे। तो मेज़ में डाल रही हूँ 1/2 चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना डालने से केले की सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच मेथी दाना डाला है, साथ ही में डाला है 2 से 3 सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पर लिया एक मीडियम साइज़ का प्याज टमाटर। तो टमाटर को मैंने यहाँ पर बारीक बारीक कट कर लिया है। टमाटर को यहाँ पर डायरेक्ट ऑयल में डाल दिया है और ऊपर से मैंने डाल दिया है 1/2 चम्मच यहाँ पर नमक। नमक का हम स्पेशली ध्यान रखेंगे क्योंकि हमने केले फ्राई करते टाइम केले के अंदर भी नमक डाला था और इधर हम सब्जी में भी नमक डाल रहे हैं, तो नमक का थोड़ा ध्यान रखिए। साथ ही में यहाँ पर 2 हरी मिर्च को लंबे लंबे स्लाइस में कट करके डाल दिया है। अब यहाँ पर टमाटर अच्छी तरह से भून गए हैं। अब हम जो पेस्ट बना के लिए थे मसालों का, उसे यहाँ पर डाल के और इसे भी भून लेंगे। तो यहाँ पर टमाटर के साथ में मैं यहाँ पर जो मसाले हमने पीस के तैयार किए थे उसे डाल के और उसे भी भून लेते हैं। अब हम यहाँ पर डालेंगे सूखे मसाले। सबसे पहले यहाँ पर हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच और साथ ही में यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, तो 1/2 चम्मच इसका भी ऐड कर दिया है। और जो यहाँ पर मिक्सर जार के अंदर मसाले लगे हुए थे उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और उसे भी धो के डाल दिया है ताकि हमारे मसाले वेस्ट ना हो। सभी मसाले मैंने यहाँ पर कढ़ाई में अच्छे से डाल दिए हैं। अब हम इन मसालों को ढककर पकाएंगे जब तक कि इनसे ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो ये देखिए यहाँ पर मसालों को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और सभी मसालों से अच्छे से ऑयल सेपरेट हो गए हैं। यहाँ पर टमाटर वगैरह अच्छे से गल चुके हैं। बहुत ही अच्छी ये ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। लेकिन फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी क्योंकि हम यहाँ पर केलों को पानी के साथ पकाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कप डाला लेकिन मेरे को लगा कि अभी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी है, तो 1/2 कप फिर से मैंने इसमें ऐड किया है। तो कुल मिला के मैंने इसमें 1.5 कप पानी का ऐड किया है और ऊपर से मैंने अब इसमें डाल दिया है रोस्टेड कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से सब्जी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ ही मैं अब इसमें डाल रही हूँ गर्म मसाला। तो 1/4 चम्मच मैंने इसमें गर्म मसाला ऐड किया है। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करके और ये देखिए चला लेंगे। अब यहाँ पर पानी डालने के बाद में ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ गया है। बहुत ही अच्छे से ग्रेवी हमारी उबल चुकी है। अब इसमें डालेंगे हम फ्राई किए हुए केले। केलों को फ्रेंड्स हमने 50% तक ही कुक किया था, अब 50% कुक हम इसमें ग्रेवी के साथ करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमें ग्रेवी के अंदर केलों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और सब्जी को अब ढक्कन लगा के और 4 से 5 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि केले के अंदर सभी मसालों का फ्लेवर जा सके। तो ये देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब हम यहाँ पर सब्जी को चेक करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये सब्जी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर दिख रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी दिख रही है। अब हम यहाँ पर ऊपर से डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया जो कि हमारी सब्जी में 4 चांद लगा देता है। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है हरे धनिए की। तो अब हरा धनिया डाल के और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सभी मसाले फ्रेंड्स हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और ये देखिए सब्जी का टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ, कितना अच्छी ये सब्जी बनकर तैयार हुई है। गैस का फ्लेम बंद करके सब्जी को हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करने से ही आपको पता लग रहा होगा कि सब्जी की ग्रेवी और इसकी थिकनेस देखिए कितनी अच्छी आई है और नए तरीके से हमने ये कच्चे केले की सब्जी बनाकर तैयार की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, ये तरीका आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर ये मेरा तरीका आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।